इजिली 3 स्टार इन एनी TH10 बेस। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और प्यारी प्यारी लड़कियों, यार आप सभी लोगों का स्वागत करते एक बहुत ही अमेजिंग से नए वीडियो में। तो यार गाइस, मैं कुछ दिनों से वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो यार गाइस, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि यार इन भाई ने बताया कि यार TH10 के ऊपर एक बेस्ट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाओ। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ TH10 का एक बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो अगर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड यार गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो यार गाइस, आज हम TH10 पे ग्राउंड एक बेस्ट आर्मी यूज़ करेंगे, जिसके मदद से गाइस आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एंड यार गाइस, देख ही सकते हो मेरा जो हीरोज़ है वो लो लेवल का है, मतलब बहुत ही कम लेवल का है। मतलब कम लेवल का हीरो हो के भी मैं आप लोगों को एक अच्छा स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, जिसकी मदद से यार गाइस आप लोग TH10 पे इजिली 3 स्टार कर सकते हो। जो आपको आर्मी स्क्रीन पे देख रही है, ये आर्मी आप लोगों को यूज़ करना है। यार गाइस, आप लोग इसको यूज़ करोगे, ठीक है गाइस, मतलब हॉग भी होगा हमारे साथ, उसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे पेकर्स भी लेना पड़ेंगे। यहाँ पे देखो, जितने भी मैंने अटैक किए, ज़्यादातर अटैक पे हम लोगों को या फिर 3 स्टार मिल चुका है, मतलब 100% हम लोगों को मिल चुका है इस तरह अटैक्स पे। सो गाइस, ये वाला आर्मी आप लोगों को यूज़ करना है। तो गाइस, आर्मी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, आप वापस जाके गेम पे कॉपी कर सकते हो आर्मी को। तो गाइस, अभी ये पे काम करते हैं कि हम लोगों को CC में भी कुछ लेना पड़ेगा। तो मतलब CC को लेंगे तो तभी हम लोगों को 3 स्टार बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो गाइस, ये CC में हम लोग क्या लेंगे तो अभी दिखाते हैं गाइस। तो इसका मतलब से हम लोगों को CC में सिंपल सा लेना पड़ेगा क्या, कुछ भी नहीं गाइस, सिर्फ हम लोगों को एक सीज मशीन लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ गाइस हम लोगों को एक अर्थक्वेक स्पेल, उसके साथ साथ गाइस हम लोगों को एक आइस गोलेम, एंड हम लोगों को यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 वॉल कैरी, एंड यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 विज़र्ड। हम लोगों को ये सिंपल सा चीज़ हम लोगों को CC में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस, जो वाईफाई का साइन आ रहा है, इसको देख के मेरे को लग रहा है कि मेरा फ़ोन ही तोड़ दूँ मैं। और गाइस, जो भी है यहाँ पे देखो, आप लोगों को सिंपल सा कुछ ये सारी चीज़ आप लोगों को CC में लेना पड़ेगा। तो गाइस, अभी देखो। सो यार गाइस, अभी चलते हैं हम लोग अटैक पे। एंड यार गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं यार कैसे आप लोग इजीली 3 स्टार ले सकते हो कोई सा भी TH10 वाले टाउन हॉल पे। तो यार गाइस, अभी चलो चलते हैं हमारे अटैक पे। तो यार गाइस, आप लोगों को सिंपल सा सब चीज़ समझाऊंगा, A to Z सब समझाऊंगा, कैसे करना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा ट्यूब देना पड़ेगा, कैसे फनल बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ समझाऊंगा। तो यार गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड यार गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग्स वाले वीडियोस के लिए एंड अपडेटेड वीडियोस के लिए, मतलब मैं अपडेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ, तो यार गाइस इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। एंड यार गाइस, TH10 वाले बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए गाइस वीडियो को एक लाइक करना बनता है। एंड यार गाइस, चलो अब अभी बढ़ते हैं हमारे अटैक की तरह। तो यार गाइस, हम लोग सिंपल से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही इजी अटैक है गाइस, बहुत ही इजी अटैक है। जैसे कि यार गाइस देखो, अभी आ चुके हैं हमारे इस वाले बेस में, ठीक है गाइस, अभी इसको पॉज कर देते, अभी आप लोगों को सिखाते हैं मेन अटैक हमारा। तो यार गाइस, आपको यहाँ पे 2 सिंगल इन्फिनोज देखने को मिलेगा। तो यार गाइस, इसमें हमको सिंपल सा करना क्या पड़ेगा, आपका जो है, आपने जो सीज मशीन लिया है उसके मदद से गाइस आपको एक सिंगल इन्फिनो को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और यार गाइस, बेस आपके नाम, मतलब 3 स्टार इजीली, जस्ट एक इन्फिनो को डिस्ट्रॉय करो और बेस 3 स्टार। क्योंकि यार गाइस, यहाँ पे जो सिंगल इन्फिनो से वही बेस का मेन चीज़ है। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ से 2 इन्फिनो से, तो उसकी मदद से हम लोगों ने CC की मदद से हम लोगों ने 1 डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यार गाइस, काम हो गया। तो गाइस देखो, यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा 3 स्टार इजीली गाइस। यहाँ पे देखो, आप लोगों को सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी सेटअप है। उसके साथ साथ आप लोगों को गाइस सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, सीज मशीन देने के पहले गाइस कलेक्टर जो दिख रहा है आप लोगों को, उधर से गाइस आप लोगों को पेकास वगैरह देना पड़ेगा, 2 पेका एंड 2 विज़र्ड देना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे फनेल हो जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग क्वीन और किंग को अंदर लेके जाएंगे। अंदर लेने के बाद यार गाइस, जो इन्फिनो है इजीली टिक डाउन हो जाएगा। उसके साथ साथ गाइस, हम लोगों को ये बहुत सारे जो आप लोगों को दिख रहा है मार्क करके, ये सारी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके साथ साथ गाइस, जब इधर पे जो इन्फिनो है वो जब गाइस उनके ऊपर टारगेट करेगा, तब हम लोग इधर से जो कैनन्स वगैरह है उसके साइड से हम लोग हॉग्स दे देंगे। एंड यहाँ पे जब हीलिंग लगेगा उधर पे हम लोग हीलिंग स्पेल दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे बॉम्ब टावर है इसके ऊपर हीलिंग लगेगा। एंड जहाँ पे ट्रैप्स वगैरह है उसे वहाँ पे हीलिंग लग सकता है, मतलब बॉम्ब वगैरह रहेगा तो हीलिंग लग सकता है हॉक को। तो गाइस, उधर पे हम लोगों को हॉक को हीलिंग्स दे देंगे। तो गाइस, ये था हमारा सिंपल सा एक प्लान। एंड गाइस, अभी बढ़ते हैं हम लोग अटैक की तरह, मतलब अटैक करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो गाइस, चलो यार गाइस, चलो क्या ही देरी, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो यार गाइस, जैसे मैंने बताया, इन दोनों साइड से हम लोगों को फनल बनाने के पिकस वगैरह देने पड़ेगा, उसके साथ साथ हम लोगों को विज़र्ड देने पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने सीज मशीन दे दिया, एंड किंग क्वीन देना पड़ेगा। अरे यार, किंग यहाँ पे भटक गया यार, मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं यार गाइस, उसके में कुछ नहीं होगा, किंग उधर गया तो यहाँ पे जस्ट हम लोगों को क्या है, फ्रीज देना पड़ेगा, नहीं तो यार गाइस काम तमाम हो जाता, क्योंकि किंग अंदर नहीं गया। किंग अंदर नहीं हो जाता तो हम लोगों को फ्रीज की कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
तो गाइस अभी यहाँ पे सारे पेक का सर एंड यहाँ पे सारे हम लोगों को विजर्ड अंदर देने पड़ेंगे। एंड गाइस जैसे कि मेरा प्लान चल रहा था कि यहाँ पे टाउन हॉल टेक डाउन हो जाएगा, एंड देखो मैंने जितना भी मैं किया था उतना सारे चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड इन्फिनो उधर पे टारगेट करें तो हम लोग हॉक्स वगैरह को इधर से दे देते हैं, एंड यहाँ पे एक हीलिंग दे देते हैं। उसके साथ साथ कहीं आइस ग्लोब यहाँ पे फूट गया एंड सब कुछ फ्रीज कर दिया। एंड यार कहीं यहाँ पे हॉक्स वगैरह क्वीन की तरह एंड बॉम्ब टायर की तरह आ रहा है, तो कहीं इधर पे हम लोगों को हीलिंग देना पड़ेगा, नहीं तो यार हॉक का हाल बेहाल हो जाएगा। एंड यार कहीं इधर पे हम लोगों को हॉक का हेल्थ देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम लोगों के पास सारे हीलिंग स्पेल खत्म हो गए। एंड यार कहीं अभी वेट करना पड़ेगा कि होता है कि 3 स्टार वो देखने के लिए। तो कहीं देखो यहाँ पे हम लोगों को क्वीन की एबिलिटी अभी बचा है गाइस, एकदम से सिंपल सा गाइस क्वीन का एबिलिटी अभी भी बचा है। तो कैसे यहाँ पे एक अर्थक्वेक स्पेल दे देते हैं, उसको रख के ही क्या करें। तो गाइस देखो यहाँ पे बहुत हम लोगों को इजीली 3 स्टार मिल गया, ये 100% एकदम से 3 स्टार होगा। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ आ गया कि कैसे 3 स्टार करने पड़ेगा टीच 10 के बेस में, वो भी सिंगल 2 इन्फिनो है उसके होते हुए भी। तो गाइस ऐसे करके आप लोग भी करोगे तो यार गाइस आई होप आप लोगों को भी 3 स्टार ले सकते हो। एंड ये स्ट्रेटजी को आप वार्ड में यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा इसके साथ साथ। एंड यार गाइस यहाँ पे 2x स्पीड में कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 3 स्टार हो चुका है। तो गाइस ऐसे करके आप लोग भी इजीली 3 स्टार ले सकते हो। एंड यार गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यार गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना।